दोस्तों नमस्कार, चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। स्वयं क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले उम्मीद है कि क्लास में आपने कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। इस स्क्रीन के अंदर आप इनपुट डिवाइस के हमारे सामने कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल माउस। और आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल हमारे सामने हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट और प्लॉटर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी ने इन सभी डिवाइसेस को काफ़ी अच्छे से समझा होगा और प्रैक्टिकली डेली लाइफ में आप इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस आर। आपसे बेसिकली आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछना चाह रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए है मॉनिटर एंड प्रिंटर। आप सभी को पता है कि मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। एंड प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम प्रिंट आउट हार्ड कॉपी के डाटा को एक्सेस प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माउस टेक्निक यूज फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एक्सेस करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो ऑप्शन होंगे देखते हैं, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो माउस में दो बटन हमारे पास होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है। राइट बटन का जो प्रयोग किया जाता है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब आप किसी भी आइकन, फोल्डर या इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो आपने देखा होगा किसी स्क्रीन पर हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसमें ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट एंड प्रॉपर्टीज लाइक दैट, इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स किस किसकी टाइप ऑफ डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स, जो डॉट मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टैब की इज यूज्ड। टैब की का प्रयोग इसलिए किया जाता है, तो स्टूडेंट्स जो टैब की होती है इसका प्रयोग आप एमएस वर्ड के अंदर किसी भी पैराग्राफ का स्टार्टिंग में जो कर्सर का इंडेंट होता है बेसिकली हम उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस। ये भी क्वेश्चन एमएस वर्ड से ही है कि जब भी हम एमएस वर्ड्स में हम टाइपिंग करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो हमें बिगिनिंग पे जाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग भी। अगर आप माउस से कर्सर बिल्कुल लास्ट में है तो लास्ट से मुझे बिगिनिंग पे जाना है, तो हम किस की का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक जो ये क्वेश्चंस है, ये कीबोर्ड में जो आप बेसिकली की देखते हो, होम, एंटर, पेज अप, ये उन की से संबंधित क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो सही आंसर रहेगा हमारे पास होम की। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस बतानी है आपने। माइक्रोफोन, प्रिंटर, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है बट प्रिंटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर नहीं होगा। स्कैनर एंड मॉनिटर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है बट मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डिजिटल कैमरा एंड स्पीकर, स्पीकर क्या आगे आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कीबोर्ड एंड माउस, वेरी इंपॉर्टेंट, कीबोर्ड और माउस आप सभी को पता है कि दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस है और मोस्ट कॉमन डिवाइस है। To see all information which device output uses, आप देख सकते हैं, to see all the information को देखने के लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जनरली स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, स्क्रीन इन में मॉनिटर ही है, तो सेवन का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर एट, टाइप ऑफ माउस इज। तो क्वेश्चन नंबर एट के हिसाब से जो सही आंसर रहेगा, नाउअडेज जो आजकल माउस यूज़ किए जा रहे हैं तो वो बेसिकली ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल माउस यूज किए जाते हैं,
आप माउस में जो पुराने वाले टाइम पे जो माउस आते उसमें देखते भी थे, एक बॉल होती थी तो वो मैकेनिकल माउस होते थे, और नाउ डेज जिसमें के अंदर एक लेज़र बीम यूज़ होती है रेड कलर की, तो वो ऑप्टिकल माउस है। तो बी करेक्ट आंसर है यार, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो फंक्शन की होती है किसी भी एक जनरल कीबोर्ड के अंदर वो 12 होती हैं। अगर आप मैं बात करूँ F1 से लेके F12 तक, तो स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में आपसे फंक्शन की पे जो इनकी शॉर्टकट है F1 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, F2 का प्रयोग क्यों करते हैं, और रिफ्रेश बटन के लिए किसी भी फाइल को रिफ्रेश करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का फंक्शन की का प्रयोग करेंगे F5 का। तो फंक्शन की से भी संबंधित एग्जाम में आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन। तो स्टूडेंट जो हेड और पेपर है जो आपस में किसी को टच करते हैं वो है इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इसके लिए आपको जितने भी यहाँ पे थर्मल प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इन सब का मैकेनिज्म आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन 21, बाई विच प्रिंटर ए करेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 का जो सही आंसर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, के अंदर जो है करेक्टर है वो जल्दी से वन स्ट्रोक के अंदर ही प्रेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। नॉट की सेंस में है, ध्यान रखना कीबोर्ड क्या होता है इनपुट डिवाइस है, तो नेगेटिव सेंस में है तो इसका आंसर नहीं होगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13, विच व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन कंप्यूटर। तो कीबोर्ड का फंक्शन आपसे पूछना चाह रहा है, प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, नहीं उसके लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इनपुट बिल्कुल सही है, कंप्यूटर कीबोर्ड के जरिए हम जो है डाटा को इनपुट करते हैं, तो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ हाई क्वालिटी, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस होती है, हाईएस्ट क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो वो होती है प्लॉटर की। प्लॉटर जो होते हैं साइज में बहुत बड़े प्रिंटर होते हैं, जिनका प्रयोग हम बेसिकली जो फ्लैक्स आज के टाइम में जो आप होल्डिंग देखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, बड़े बड़े बैनर्स जो होते हैं वो सभी हम प्लॉटर पे ही निकलवाते हैं। उनकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है, हाई होती है। तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्क डन बाय ए कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर जो भी कार्य करते हैं वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन करता हूँ, तो वो होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट पे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीडियम ऑफ आउटपुट। का मीडियम क्या है, तो स्कैनर क्या है इनपुट के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर नहीं होगा। माउस भी इनपुट के एज ए इनपुट यूज होता है, तो इसका भी आंसर नहीं होगा। कीबोर्ड को भी हम एज ए इनपुट यूज करते तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रिंटर को हम आउटपुट प्रिंट आउट के फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो प्रिंट इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। स्टूडेंट जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप वहाँ आपको अपना फोटो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो होता है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको लेनी होती है, जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हम बोलते हैं डिजिटल फॉर्म बोलते हैं। तो डिजिटल फॉर्म के लिए यहाँ पे जो हमारे सामने हम यूज करते हैं बेसिकली स्कैनर को यूज़ करते हैं, जिससे हमारे हमारा जो हार्ड कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रिंटर से सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड बाय डोगरास एंजलबर्ट इन स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी। फ्रेंड्स क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कब इन्वेंट हुआ, तो ये डेट आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स वो डेट ईयर है वो इसका आंसर रहेगा
1963 होता है इसका आंसर, सही आंसर जो कि 1963 जो है, सॉरी इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1963, आपको याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग से जो सही आंसर हो जाए वो ई में जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर? तो स्टूडेंट्स बेसिकली टू टाइप्स के जो प्रिंटर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर बी, एक करेक्टर प्रिंट्स, प्रिंटर प्रिंट्स डैश करेक्टर पर सेकेंड्स। जो करेक्टर प्रिंटर होता है आपको पता है कि पर सेकेंड वो कितने करेक्टर को वो प्रिंट्स कर सकता है, उसकी रेंज के हिसाब से पूछ सबसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। क्वेश्चन 20 का जो सेकेंड सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ई, 200 से 4000 करेक्टर्स पर सेकेंड। ये लाइन प्रिंटर प्रिंट्स डैश डैश लाइंस पर मिनट, जो लाइन प्रिंटर है वो एक मिनट में कितनी लाइंस प्रिंट करता है उसकी एफिशिएंसी के सेंस में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है ये। तो क्वेश्चन 21 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 400 से 200 नहीं है स्टूडेंट्स, ये 2000 से, तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 22, स्कैनर लुक्स लाइक ए डैश मशीन। जो स्कैनर होता है वो किस तरह की मशीन आपको दिखाई देती है, इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करा। तो क्वेश्चन 22 का सही आंसर है टाइप मशीन, नहीं हो सकता इसका आंसर, प्रिंटिंग मशीन भी नहीं हो सकता, फोटो कॉपियर बिल्कुल हो सकता है। आपको पता है कि जो स्कैनर होता है उसको हम फोटो कॉपी मशीन की तरह दिखाई देता है, जबकि आप फोटो कॉपी मशीन कोई भी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करना चाहते हैं तो पहले वो स्पेस को स्कैन करता है, देन उसका प्रिंट प्रिंटर पे के उसमें कमांड देता है। तो हम स्कैनर को एक फोटो कॉपी मशीन की सेंस में भी यूज करते हैं। हाउ मैनी एरोज की आर देयर इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में कितनी एरोज की यूज होती है? तो उसमें सभी को पता है कंप्यूटर में चार एरोज की होती हैं, अपवर्ड के लिए, राइट डायरेक्शन के लिए, डाउनवर्ड के लिए एंड लेफ्ट डायरेक्शन के लिए। इन एनी कंटेंट करंट अवेलेबल कीबोर्ड हाउ मेनी टाइम्स नंबर की आर रिपीटेड? ये आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है स्टूडेंट्स। जो कीबोर्ड होता है उसमें जो नंबर की होती हैं वो टू टाइम्स रिपीट होती हैं। अगर आप एक कीबोर्ड यूज करते हैं तो सबसे पहले एक नंबर की का पैड यहाँ पे होता है हमारे पास नम पैड, जिसमें 0 से लेकर 9 तक हमारे पास कीज होती है, और एक नम की हमारे पास होती है फंक्शन के जस्ट बिलो, तो टू टाइम्स रिपीट होती है। द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट बिलो माउस इज कॉल्ड? स्लेट की शेप में आपसे पूछना वो क्या होता है? देखो माउस को आपने सभी सुना नहीं, माउस को कवर करने के लिए यूज करते हैं, माउस कंडक्टर भी आपने नहीं सुना है, माउस पोर्ट नहीं, तो स्टूडेंट्स माउस पैड बोलते हैं जिसको हम माउस के नीचे रखते हैं, माउस उसे स्मूथली कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आपसे आउटपुट डिवाइस पूछना चाह रहा है स्टूडेंट्स, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, माउस नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी चला जाएगा। व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ डाटा? स्टूडेंट्स डाटा किस फॉर्म में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जो डाटा होता है वो हमारे रिटर्न फॉर्म में होता है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो ये डाटा ये किस फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में है, और अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि हमारे ऑडियो साउंड्स होते हैं, तो दोनों ही डाटे हमारे सेंस ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ई, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 28, लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड एन ए ह्यूमन इज पॉसिबल बाय? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के जो इंटरफेस होता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कारण ही पॉसिबल है। ये इसका आंसर क्यों है? तो फ्रेंड्स आपको सभी को पता है कि जो कंप्यूटर तो वो मशीन लैंग्वेज समझता है और हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। तो आपने देखा इसके बीच में इंटरप्रेटर मीडिएटर यूज होते हैं जो
मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 28 का सही आंसर ए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनपुट और आउटपुट का एग्जाम्पल है साउंड। साउंड को देखिए स्टूडेंट, जो साउंड है वो इसका आंसर रहेगा नोट की सेंस में है। तो साउंड हम देखते हैं, जो साउंड आप स्पीकर यूज करते हैं तो आप आउटपुट एज ए आउटपुट यूज करते हैं, तो इसका आंसर नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में पूछा है। लाइट, नेक्स्ट है मैकेनिकल। मैकेनिकल जो है स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये मैकेनिकल सेंस में बात करें तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। विजुअल, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, जैसे मॉनिटर को हम डिस्प्ले यूज बोलते हैं, तो यहाँ पे लाइट की सेंस में इसमें इसका सही आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो ट्रैक बॉल होता है उसको हम बेसिकली माउस की तरह भी प्रयोग करते हैं। ट्रैक बॉल आपके फ्रेंड्स ने नहीं देखा है तो वो एक ऐसा एक्सप्लेन कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि माउस होता है, जो पहले मैकेनिकल माउस आती है उसके अंदर बॉल होती थी, उसके ऊपर कवर हटा दो, उसको आपको बॉल की मूवमेंट्स नजर आएगी। तो सेम ट्रैक बॉल के अंदर भी हमें मूवमेंट्स नजर आएगी। तो करेक्ट आंसर डी। जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज फॉर ओके। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बताया था कि माउस का जो राइट बटन होता है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लिए होता है, और जो लेफ्ट बटन होता है क्लिक करने के लिए मीन्स ओके के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज ए फास्ट स्पीड प्रिंटर। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ रहे हैं फास्ट स्पीड प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर रहेगा उसमें वो रहेगा लेजर प्रिंटर, इसका सही आंसर रहेगा। LCD stands for, LCD की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। LCD फुल फॉर्म रहेगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी। द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन कंप्यूटर इज बाय। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा टेक्स्ट है या न्यूमेरिकल डाटा है, बेसिकली टाइपिंग के सेंस में, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सभी को पता है कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। सोचिए कि जो आउटपुट डिवाइस है उससे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्यू के लिए भी होता है, प्रिंट व्यू के लिए इन द सेंस ऑफ मॉनिटर, और प्रिंट के लिए हम प्रिंटर को यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स इज, सभी को पता है आई थिंक, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स अगर बताएं तो ज़्यादा खुशी होगी, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस। आपसे पूछा है माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर नहीं रहेगा। माउस की इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, तो आंसर नहीं रहेगा। माउस कीबोर्ड प्लॉटर नहीं रहेगा, माउस कीबोर्ड स्कैनर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट, प्रिंटर इनपुट है, तो ऑप्शन नहीं रहेगा आंसर। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर नहीं है सॉरी, प्लॉटर है, प्रिंटर एंड मॉनिटर, ऑप्शन डी। एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज। कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हम मेमोरी के अंदर एंटर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो इनपुट से कहलाता है, डाटा को एंटर करना। अगर यहाँ पे एंटर की बजाय वर्ड होता सेव तो वो कहलाता स्टोरेज, और एंटर की बजाय होता डिस्प्ले तो यहाँ पे आउटपुट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 42, मेक द नंबर पैड एट एज ए डायरेक्शनल एरो। वी प्रेस, स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता डायरेक्शनल एरो
की सेंस में एक क्वेश्चन है नंबर पैड। जब हम नंबर पैड को डायरेक्शन एज ए डायरेक्शन की यूज़ करेंगे तो उसमें हम क्या साथ में क्या यूज करते हैं, शिफ्ट यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स यदि आप शिफ्ट प्लस 4 प्रेस करोगे तो कर्सर लेफ्ट मूव करेगा, शिफ्ट प्लस 6 मूव करोगे तो राइट मूव करेगा, शिफ्ट प्लस 2 मूव करे तो बॉटम में, और शिफ्ट प्लस 8 मूव प्रेस करेंगे तो अपवर्ड मूवमेंट्स रहेगी। क्वेश्चन नंबर 41, विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहिए कि जो कंट्रोल की होती है उसको हम कभी भी इंडिविजुअल यूज नहीं करते, वो हमेशा नंबर कॉम्बिनेशन में यूज होती है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आप सभी को पता है जो तीनों ही की हैं ये कभी भी इंडिविजुअल यूज नहीं होती, राइट। तो ये इसको हमेशा ये क्या है किसी न किसी के साथ यूज होती हैं, कम्बिनेशन यूज होती हैं, और कम्बिनेशन मीन्स द सेंस ऑफ मॉडिफायर। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जब भी आप मॉल्स के अंदर जाते हो कोई भी प्रिंटेड प्रोडक्ट परचेज करते हो उस पर ऐसे वर्टिकल लाइंस मिलती है ना आपको देखने को, तो वे क्या कहलाते हैं, वो बार कोड्स कहलाते हैं। वट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटेड प्रिंटर। कंप्यूटर जो प्रिंटर वो किस तरीके डिवाइस से शुरू होता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 45, ए स्कैनर स्कैन्स। क्या स्कैन कर सकता है, सभी को पता है जो स्कैनर होता है उससे हम क्या क्या स्कैन कर सकते हैं, पिक्चर भी स्कैन कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट भी स्कैन कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। What would you do to highlight a word? You will position the cursor next to the word and then. तो स्टूडेंट्स जब आप MS Word के अंदर टाइप करते हैं तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप जैसे सपोज इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए के अंदर जब आप लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे उसको प्रेस करके रखना आपने, छोड़ना नहीं है। तो जब आप उसी मूवमेंट्स करेंगे तो वो क्या होता जाएगा, हाइलाइट्स होता जैसा आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, ए डैस कैन मेक इट ईजियर टू प्ले गेम्स। सबको पता है कि जॉयस्टिक होती है, जॉयस्टिक को हम इन एंटरटेनमेंट डिवाइस भी बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटरटेनमेंट डिवाइस है, तो वो क्या है, जॉयस्टिक ही होती है। इन MICRC स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंस, MICR की फुल फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर टोनाइजेशन का ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज ए हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को यदि हम इंटेंजिबल आउटपुट बोल सकते हैं तो आप हार्ड कॉपी हम क्या कहेंगे, ये आपका रीजनिंग में एनालॉगी की सेंस में भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, रीजनिंग के में भी ध्यान रखना। द प्रिंटेड आउटपुट बोलेंगे हम इसको, ए प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। प्रिंटर किस तरह की डिवाइस होता है, उम्मीद है सबको पता होना चाहिए आंसर, आउटपुट डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंट्रिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन टू ए कंप्यूटर सिस्टम इज दो द यूज ऑफ ए कीबोर्ड के जरिए पॉसिबल है, डाटा को एंटर करना न्यूमेरिकल फॉर्म टेक्स्ट की फॉर्म में कीबोर्ड के जरिए। ए कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, किस तरह डिवाइस होती है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, सबको पता आंसर। तो फ्रेंड्स इस सीक्वेंस में यदि आप क्वेश्चन की तैयारी करते रहें तो मेरी गारंटी है, चाहे आपके सामने रेलवे का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, उसमें आप कंप्यूटर के जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सेंस जो कंप्यूटर होता है जितना भी ज़्यादा उसके, तो आप उसकी इसी सेंस में आप प्रैक्टिस करें। कंटिन्यू करते हैं हम आगे, क्वेश्चन 43, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन। तो सेंस अब आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सा कंप्यूटर पार्ट डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले की सेंस में मॉनिटर, सबको पता होना चाहिए आंसर। तो 44, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज।
क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइंस को। सही है, बार कोड का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन याद होगा बार कोड। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन एवर वी हैव टू गिव स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स व्हाइल टाइपिंग ऑन ए पीसी वी हैव टू प्रेस ए की नोन एज, कौन सी की होती है दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए? स्पेस बार। एक स्पेस बार पे एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे एग्जाम में कि कीबोर्ड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है, वो स्पेस बार ही होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज इन कम्बिनेशन विद द अदर की टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन पहले भी आया था, कंट्रोल आर्ट सीट जो की होती है कभी भी इंडिविजुअल यूज़ नहीं होती, हमेशा कम्बिनेशन के साथ होती है। तो वहीं से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा है जिसका आंसर आपको देना है। तो देखिए, कंट्रोल एंड अल्ट। क्वेश्चन नंबर 57, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर किस तरह की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ दीज की इज नॉट एन ऑन द नंबर की पैड। स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 58 का? तो स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज की इज नॉट ऑन द नंबर पैड। नंबर पैड होता है उसकी डिलीट की भी होती है, एंटर की भी होती है, नम लॉक भी होता है, कंट्रोल की नहीं होती। स्टूडेंट्स, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के में जो राइट साइड में आप देखना वहाँ पे कंट्रोल बटन होता है, कंट्रोल बटन बॉटम में और इधर होता है। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज ए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, वो क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस इज दिस क्वेश्चन, वीडियो मॉनिटर। डैश प्रोवाइड्स द मीन्स टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर बाई क्लिकिंग इट्स बटन। स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि जो स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करवाने के लिए और गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर बाई क्लिकिंग इट्स बटन, वो है माउस। माउस के लेफ्ट राइट बटन से ही हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और कर्सर की जो मूवमेंट से सब स्क्रीन में दे सकते हैं, जो कर्सर मूव कर रहा है ये हम माउस के जरिए ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 61, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी बतानी है आपने इनमें से क्या रहेगी। तो हम देखते हैं इसमें प्रिंटेड आउटपुट सॉफ्ट कॉपी नहीं होती है, म्यूजिक साउंड भी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, स्क्रीन आउटपुट जो डिस्प्ले होता है स्क्रीन के वो क्या सॉफ्ट कॉपी है। Why is the caps lock key referred to as a toggle key? तो स्टूडेंट्स, टोगल की क्या होती है, मीन्स जिसके अंदर सिग्नल्स 101 की फॉर्म में होते हैं, जैसे नीचे वाला जो होते हैं बेस पर टॉप 0 अपवर्ड के लिए 1, तो उसमें किस टोगल की का हम बेसिकली प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम्स इट इज प्रेस्ड, राइट। जब हम कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं ये एक्टिव हो जाता है, कैप्स लॉक फिर से प्रेस करते हैं ये डीएक्टिव हो जाती है। क्वेश्चन 63, वन पुट्स इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दिस की। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है इसकी के द्वारा प्रेस करने से होती है वो है एंटर। जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाती है। 64, क्वेश्चन नंबर 64, द की डेट मस्ट बी प्रेस्ड ईच टाइम इन न्यू कमांड और इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड। स्टूडेंट्स, रिटर्न और या फिर एंटर की से क्वेश्चन अभी आप ध्यान से समझिए, आपसे उस की का नाम पूछता है जिसको हम प्रेस करने से ईच टाइम हर बार इन न्यू कमांड और इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, बेसिकली जब आप एमएस डॉस के अंदर आप कोई भी कमांड्स कोई भी डाटा आप
एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट कमांड पे एक्टिव हो जाती है या रिटर्न की आ जाती है, तो उस सेंस में आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू ए न्यू लोकेशन। किसी भी आप जब डेस्कटॉप या ओपन होता है तो इसके अंदर किसी भी आइटम को, जैसे आप जनरली देखते हैं मॉनिटर में जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, यहाँ पे माई कंप्यूटर, यहाँ पे कोई आइकन है, इसको आपको शिफ्ट करना है मूवमेंट्स में, तो आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप बटन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपने जब वीडियो स्टार्ट हुई तो वो भी इसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 तक बात करते हैं, टू सेलेक्ट टेक्स्ट बाई शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर्ड टू एज, या बोलते हैं हाईलाइट्स बोलते हैं। जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर टाइपिंग करते हैं तो उसके अंदर जब आप माउस का लेफ्ट बटन को होल्ड करके जब करते तो वो हाईलाइट्स होता चला जाता है, उसमें क्या बोलते हैं हाईलाइट्स। क्वेश्चन 2067, ए बटन दैट मेक्स करेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स, क्या कहेंगे उसके हम, इसके इस बटन के द्वारा करेक्टर्स को अपर या लोअर केस में हम बेसिक, जब हम टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग में आपने देखा होगा जब आपको कोई भी लेटर कैप्स लॉक में यूज़ करना, तो आपके टीचर्स आपको ये नहीं बोलते कि भी आप कैप्स लॉक बटन यूज करो, कहते हैं शिफ्ट प्लस जो पर्टिकुलर की आपको यूज करनी है तो शिफ्ट के सेंस में इसका चलेगा। पिक द ओड वन, ओड वन उठाना है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 69, लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल फाउंड ऑन ए कीबोर्ड आर, क्या कहलाएंगे ये। क्वेश्चन 69 का जो आंसर रहेगा, लेटर नंबर एंड सिंबल फाउंड ऑन ए कीबोर्ड, क्या होती है कीज होती हैं। क्वेश्चन 70, ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग की, कह रहा है कि हार्डवेयर बताना है आपने, पीस ऑफ हार्डवेयर का एक पार्ट होता है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को एंटर करवाने के लिए करते हैं। उसने ये रिपीट हो चुका है, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो आंसर है कीबोर्ड। कैपिटल लेटर्स ऑन ए कीबोर्ड आर रेफर टू एज, कैपिटल लेटर्स कीबोर्ड में जो हम उसके लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं, आंसर जो मेन रिपीट हुआ तो वो है कैप्स लॉक की। पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, तो स्टूडेंट्स वो है एस्केप की, ध्यान रखना एस्केप की आप जब भी प्रेस करेंगे तो जो भी प्रोग्राम या वो भी कमांड एग्जीक्यूट होती है वो क्या तुरंत एस्केप बटन की प्रेस करने से बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो इस तरह से पावरफुल की का है। स्टूडेंट्स जो कीबोर्ड यूज होता है उसमें एस्केप की सबसे अलग यूज होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एस्केप की से कि निम्नलिखित में से कौन सी की ऐसी है जो अलग से कीबोर्ड में सबसे अलग होती है, तो वो है एस्केप की। क्वेश्चन नंबर 73 बात करते हैं, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड डैश एग्जिट्स फिजिकली एंड इज ए मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट देन डेट प्रेजेंटेड ऑन डिस्प्ले डिवाइस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले है आपसे प्रिंटेड इंफॉर्मेशन जो हमें प्रिंट की फॉर्म में मिलती है और फिजिकली, फिजिकली मीन्स जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, इज मोर परमानेंट फॉर्म, मोर परमानेंट फॉर्म जैसे कि आप हार्ड कॉपी जिसको हम कहेंगे, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कैसे हम इसको आंसर होगा, जो हार्ड कॉपी है देखो प्रिंट फॉर्म में भी होती है, बिल्कुल सही है, फिजिकली हम उसको टच भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, परमानेंट फॉर्म होती है मीन्स आप जो बुक्स देखते हो जो प्रिंट या फिर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हो वो लॉन्ग समय तक प्रिंट हो जाते हैं, तो परमानेंट सेंस है। तो क्वेश्चन 73 का करेक्ट आंसर सी। मूव द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट स्पेसेस इन बिटवीन वर्ड्स, क्वेश्चन जब भी आप एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड के अंदर टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में दो
वर्ड से बीच में स्पेस लाने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हैं, वो है स्पेस बार का। क्वेश्चन 75, यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की। देखिए स्टूडेंट्स, टाइपिंग के दौरान हम किसी भी लेटर को कैप्स लॉक में अगर आपको कोई नाम टाइप करना है तो हम उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है शिफ्ट प्लस उस पर्टिकुलर अल्फाबेट्स को प्रेस करके, की को प्रेस करके, और सेकेंड कैप्स लॉक को ऑन करके। दूसरे पूछा है मेक ऑल कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज शिफ्ट की, तो वो है कैप्स लॉक की। डिवाइसेस डेट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू, क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। डिवाइस डेट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर इज, वो भी क्या है, इनपुट है। क्वेश्चन नंबर 78, एनी लेटर नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड डेट यू कैन टाइप इन टू द कंप्यूटर, क्या कहलाएगा वो, आप लोगों को बताना चाहिए इसका आंसर। आपको अभी क्वेश्चन समय से डिस्कस कर चुके हैं, करेक्टर्स होते हैं। ए की डेट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड करेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। इरेज करने के लिए हम कौन सी यूज कर, डाटा को डिलीट करना है, इरेज करना है। बेसिकली हम जो टाइपिंग के दौरान जब भी, या फिर आप किसी फोल्डर में किसी फाइल को आप इरेज करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वो क्या है, डिलीट की यूज हम उसको किसके लिए प्रयोग करते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80, द डैश टास्क ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग, क्या कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, टास्क ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग, वो है माउस पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 81, यू कैन यूज द टैब की, टैब की का प्रयोग हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आपसे ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, बिल्कुल सही है, कर्सर के मूवमेंट्स के आप टैब की का कर सकते हो स्क्रीन के मूवमेंट्स पे। इंडेंट ए पैराग्राफ एम एस वर्ड के अंदर, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए और बी मीन्स राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, इंफॉर्मेशन डेट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फीड इन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट, विच ही एनेबल्स द इनपुट ऑफ नंबर्स क्विकली। तो फ्रेंड्स, नंबर पैड जब भी आप टाइपिंग यूज करते हो, टाइपिंग आप बेसिकली देख सकते हो, जब भी हमें कोई ईयर एंटर करना, कोई डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, तो आप फंक्शन की के नीचे जो नंबर्स की होती है आप कभी भी उनका प्रयोग नहीं करते हो। कीबोर्ड के अंदर जो राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स की होती है, जिसको हम नंबर न्यूमेरिक की पैड बोलते हैं, आप बेसिकली उनका प्रयोग करते हैं, करते हो। क्वेश्चन 84, यू यूज ए और एन सच डैश सच एज ए कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, 84 का जो आप आंसर बताओ तो बताइए क्या होगा, कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं, ये इनपुट डिवाइस होती हैं। एडस कैमरा इज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेजेस इन ए डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड इनटू अ कंप्यूटर एंड मैनिपुलेटिंग यूजिंग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो जो कैमरा होता है, आजकल आप बोलते हैं कि डिजिटल कैमरा आ गई है, तो एक वर्ड आप ऐसे ही सेंसर को डिजिटल कैमरा है। दूसरा ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, तो स्टूडेंट्स पेरिफेरल वे डिवाइस होती हैं जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर की एप्लीकेशन के लिए पॉइंट से करते हैं, उनके होने या ना होने से कंप्यूटर की वर्किंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे अब हम, डिजिटल फोटोज एंड स्कैंड इमेजेस आर टिपिकली स्टोर्ड एज डैश ग्राफिक्स विद एक्सटेंशन सच एज .bmp.png.jpg.eif और .gif। ये सभी क्या है, तो स्टूडेंट्स जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपके फोटो अपलोड्स होते हैं, सिग्नेचर अपलोड होते हैं, तो वो सभी आपसे
कौन फॉर्मेट है ये इसके, तो आपसे जो क्वेश्चन है इसी से संबंधित है, ये सभी क्या है इसकी बिट मैप की फॉर्म में। ओसीआर की फुल फॉर्म आपसे पूछना होता है, ओसीआर की फुल फॉर्म सबको पता है, आप सभी इसको याद करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको देते हैं। ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डाइजेशन। नंबर 88, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। क्या होगी? माउस। यानी सर जो माउस होता है उसको हमें एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? प्रिंट प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन। तो स्टूडेंट जो टच स्क्रीन होती है, अगर आप अगर दरअसल हमारे पास सामने जो टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं तो वो क्या है? इनपुट, एज ए इनपुट यूज होता है। द एरो की कैन बी यूज टू, एरो की का जो प्रयोग करते हैं हम किस लिए करते हैं? मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट आर ऑलरेडी बीन एंटर्ड। कर्सर की बेसिकली मूवमेंट्स करने के लिए यूज करते हैं। आप जब लेफ्ट की राइट की करते हो तो आप टाइपिंग के अंदर आप देख सकते हो इसमें कर्सर की मूवमेंट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज ए कीबोर्ड यूज्ड फॉर? कीबोर्ड का बेसिक फंक्शन क्या होता है? इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 92, व्हाट आर द स्पीकर्स अटैच्ड टू योर कंप्यूटर यूज्ड फॉर? स्पीकर बताया कि स्पीकर का हम बेसिकली प्रयोग क्यों करते हैं? आप स्पीकर लगाते हैं कंप्यूटर में किस लिए लगाते हैं? हैंडलिंग साउंड्स एंड म्यूजिक। द माउस डैश यूजली अपियर्स इन द शेप ऑफ एन एरो। एक एरो के सेंस में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। जैसे ये आप ये देखते हो पॉइंटर जो जो होता है बेसिकली बेसिकली आप देख सकते हैं जो माउस में है यहाँ पे जो ये पॉइंटर है ये क्या है पॉइंटर यूज हो रहा है। राइट आंसर पॉइंटर। 94, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में जो मोस्ट कौन स्टोरेज डिवाइस होती है, कौन सी होती है जो हम पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए यूएसबी जो होती है, पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव आप यूज़ नहीं करते, यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 94 का अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस, देखिए स्टोरेज डिवाइस हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज। इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स नाउडेज अगर हम बात करें फ्लॉपी डिस्क हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने एग्जाम में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमारे 2007 जल्दी एग्जाम में जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हो, 2003 एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 के क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, उसमें कुछ कमांड्स चेंज हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है पुराने पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन का आंसर जस्टिफाई करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन में जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल बेसिक अगर उसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो स्टार्टिंग में हम कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नल डाटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग नहीं करते थे, उसमें हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते थे। उस सेंस में इसका आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डिजिटल कैम कॉर्डर का, माइक्रोफोन का, स्कैनर सभी का यूज करते, तो ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 96, ए सेल्स क्लर्क एट ए चेकआउट काउंटर स्कैनिंग ए टैग ऑन एन आइटम रादर देन की इट इन द टू द सिस्टम इज यूजिंग। तो फ्रेंड्स देखिए जब भी आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो आजकल क्या है हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड लगा होता है। बार कोड से संबंधित क्वेश्चन पहले क्या होता है? वर्टिकल साइंस जो होती हैं छोटी बड़ी वर्टिकल साइंस क्या कहलाते हैं? वो बार कोड लाइन्स कहलाते हैं।
इसलिए हम बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। तो उसी सेंस में क्वेश्चन आपसे फिर से एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो इज यूजिंग स्कैनिंग ऑटोमेशन। स्कैनिंग ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग के द्वारा उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन वो बारकोड लाइंस की फॉर्म में होती है, उसको बारकोड रीडर द्वारा से एड करके ऑटोमेटिक डाटा सॉफ्टवेयर में फिल कर देता है। 97 इफ यू ओपन ए मेन्यू एंड देन डिसाइड यू डू नॉट वॉन्ट टू सेलेक्ट एन ऑप्शन आफ्टर ऑल, क्लिक द मेन्यू टाइटल अगेन और प्रेस द डैश की टू क्लोज द मेन्यू। अभी समझना पड़ेगा, इफ यू ओपन ए मेन्यू, यदि आपने कोई फाइल ओपन कर ली है और उसके बाद डिसाइड करना चाहते हैं कि आप उसमें आगे फर्दर कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किस की के द्वारा उसको क्लोज कर सकते हैं, तो उसमें एस्केप, जिसको हम पावरफुल की भी बोलते हैं, ध्यान रखना पावरफुल की, प्रोग्राम को इमीडिएटली क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक की, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की डेट इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। डाटा को इरेज करने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं, बता सकते हो, डिलीट की। डैश ए डैश इज ऑफन यूज टू सेलेक्ट और हाईलाइट, सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए हम किस का प्रयोग करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, मिस्टर एक्स हैज नो प्रिंटर टू प्रिंट हिज रिपोर्ट, ही वांट्स टू टेक इट टू मिस्टर वाईज कंप्यूटर बिकॉज मिस्टर वाई हैज ए प्रिंटर, मिस्टर एक्स कुड शेव हिज रिपोर्ट ऑन ए डेस्क। स्टूडेंट्स, जनरली आपको पास घरों में कंप्यूटर होता है लेकिन आपके पास प्रिंटर नहीं होता, तो आप क्या करते हो, जब भी आपके कंप्यूटर में आपने सपोज अपना बायोडाटा बनाया, सीवी बनाया, तो आप पहले उसको टाइप करते हो, टाइप करने उसको पेन ड्राइव में लेते हो, पेन ड्राइव के बाद फिर आप कैफे पे जाते हो, वहाँ पे उसको प्रिंट आउट के फॉर्म में लेते हो। तो उसी सेंस में एग्जामिनर आपके सामने ये क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो पुराने टाइम पे जो हम यूज करते थे पेन ड्राइव, तो उस टाइम पे होती नहीं थी, मैं पेन ड्राइव आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, उस टाइम पे जो यूज करते थे हम फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा करेक्ट वो फ्लॉपी डिस्क जाएगा। उसमें 101, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज, अगेन क्वेश्चन रिपीट, कीबोर्ड। 102, द डैश मे आल्सो कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर, स्क्रीन और मॉनिटर क्या कहलाएंगे, बता सकते हो, आउटपुट डिवाइस होती हैं और यहाँ पे हम उसको कहेंगे डिस्प्ले। इन ए कंप्यूटर विच डिवाइस इज कंसिस्टेंटली अपोजिट टू ए कीबोर्ड, अपोजिट के सेंस में है क्वेश्चन, देखना तो वो क्या है, प्रिंटर। वो प्रिंटर से आप की अपोजिट कैसे हुआ, कीबोर्ड में आपने प्रेस किया वन, तो वन डाटा को प्रिंट एंटर हुआ और प्रिंटर उस डाटा एंटर किया डाटा को एग्जीक्यूट करता है, वापस से कलेक्ट करता है, राइट, तो इसका अपोजिट फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, डिवाइस डेट एंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, इंफॉर्मेशन को एंटर करता है, इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, किसी को पता है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू इनपुट यूनिट, डज नॉट रिलेट, इनपुट यूनिट से संबंधित या रिलेट नहीं है, रिलेशन नहीं है, इस सेंस में आपसे क्वेश्चन पुट करेगा, तो ध्यान रखना, इट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, इट कन्वर्ट डाटा इनटू बाइनरी कोड्स, आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज समझ सकता है, तो जैसे हम इनपुट पे हम बोलते हैं माइक के अंदर, तो माइक के हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में चलते हैं, सही है। तो क्वेश्चन देखिए आगे बढ़िए, ऑप्शन सी, इट कन्वर्ट्स बाइनरी डाटा इनटू ए ह्यूमन रीडेबल, नहीं, वो आउटपुट यूनिट का काम होता है, अगर हम बाद में ऑप्शन सी में इनटू द ह्यूमन रीडेबल, वो आउटपुट यूनिट का काम होता है, किसका काम होता है, आपसे क्वेश्चन 105 का सही आंसर सी चला जाएगा। विच ऑफ क्वेश्चन 106, विच ऑफ दिस इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सी होती है, तो उसमें वो
हाउस होती है। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। क्या होगा क्वेश्चन, होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 108, ए डैश इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, उसे हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन वो होती है स्कैनर। स्कैनर से आपको मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी फोटो सिग्नेचर आप जब अपलोड करते हैं उसके बाद जो आपको फॉर्मेट पर होता है वो कैसा होता है, डिजिटल फॉर्म होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है। क्वेश्चन नंबर 109, जॉयस्टिक इज परमानेंटली यूज फॉर डैश फॉर कम, किस लिए यूज होती है जॉयस्टिक आप बता सकते हैं। एंटरटेनमेंट की होती है, वीडियो गेम्स के लिए यूज होती है, तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 110, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ड बाई, क्वेश्चन आया था आपसे जो क्वेश्चन पहले आया था उसमें आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा था कि कब हुआ था, 1963 में हुआ था। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, डगलस एंजलबर्ट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड ऑफ ए लैपटॉप यूजली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कीज, कितनी की होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। 100 से 104। तो फ्रेंड्स लास्ट स्क्रीन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल कैमरा इमेज इज ए, क्या कहलाती है, एक पिक्सल कहलाते हैं। आप जब भी ध्यान रखना कि जब भी आप स्कैनर पर फोटो स्कैन करते हैं तो वहाँ पे आप ना रिजोल्यूशन, क्या रिजोल्यूशन रहेगा, तो वो हम रिजोल्यूशन को ही हम पिक्सल सेंस में बोलते हैं। क्वेश्चन 113, इन विच ग्राफिक्स डिजिटल फोटोज एंड स्कैन इमेज आर टिपिकली स्टोर्ड विद एक्सटेंशन सच एज .bmp.png.jpg.tif और gif, ये सब क्या होते हैं, ये बिट पैन ऐप की टाइप्स हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी, क्या है फुल फॉर्म, जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट्स को इसका वो नहीं पता होगा कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो जेपीजी की जो स्टूडेंट जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, राइट। क्वेश्चन 105, विच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन ए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इसके उपयोग करते हम एंटर की का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर टाइप की क्वेश्चन आपकी कवर करता है, और मेरा दावा है, मेरी गारंटी है एग्जाम में आपको इन क्वेश्चनों के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स इस चीज़ की चाहे के क्वेश्चन शुरू की गारंटी देता है कि आप यदि हमारे ये वीडियोस लगातार देखते रहेंगे या एग्ज़ाम से पहले आप इनको एक क्विक रीजनिंग फॉर्म में आप फॉलो करेंगे, प्रेफर करेंगे, तो गारंटी है आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और हमारा जो स्टूडेंट्स एक दावा है कि कभी भी सिलेक्शन बिना एक्सरसाइज, बिना प्रैक्टिस, बिना रिवीजन, बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए नहीं निकल सॉल्व नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमारी जो ये सोच है इसी पे हम काम कर रहे हैं, और आपके सामने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पर आधारित जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, और आगे भी नेक्स्ट टॉपिक्स की वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। इसी के साथ थैंक यू।